हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईवी नॉलेज। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में। दोस्तों, आपने ओकिनावा कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग ओकिनावा कंपनी ने लॉकडाउन पीरियड के बाद मोर देन 1200 इलेक्ट्रिक स्कूटी को सोल्ड किया है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है इस पीरियड में, जहां सारे डीलर्स के ऑपरेशनल भी अभी पूरी तरह से रिज्यूम नहीं है, विच इज हाईलाइटेड द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इस तरह का ईवी डिमांड को देखते हुए यह भी लग रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी की काफ़ी अच्छी डिमांड आने वाली है। आगे के टाइम को देखकर जहां कोविड केस दिन पर दिन काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है इंडिया में, इससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सोशल डिस्टेंसिंग से भी बचेंगे और इनकी रनिंग कॉस्ट भी काफ़ी कम है, चूँकि ये बैटरी ऑपरेटेड स्कूटी है। ओकिनावा ऑल्सो टॉप्स द चार्ट इन हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड द ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर टू क्रॉस 10,000 फिगर इन इंडिया। यहाँ एक और बड़ी न्यूज निकल करके आती है, जहाँ बेंगलोर में कुछ फर्म्स हैं जैसे बाउंस, ट्राइवेजी एंड बोगो, जो कि सेकेंड हैंड टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटी सेल कर रहे हैं, विच इज मोर चीपर देन नॉर्मल सेकेंड हैंड मार्केट रेट। एवरेज कॉस्ट ऑफ अ सेकेंड हैंड व्हीकल डिपेंड ऑन अ मॉडल एंड द डिस्टेंस रन। लाइक होंडा एक्टिवा 10,000 किलोमीटर चली हुई है, जिसकी कॉस्ट बिलो 40,000 है। बाउंस इज ऑल्सो सेलिंग यूज टू व्हीलर एंड इन्वेस्टिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जहाँ हैदराबाद और बेंगलोर से काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है, और अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ स्विच करें तो ये पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत ही अच्छा एक स्टेप होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड अभी लंबे समय तक रहने वाला है और एवरीवन वांट टू ट्रैवल विथ ऑन व्हीकल्स, नो शेयर एंड नो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। जहां नई गाड़ी की बात करें तो इनकी प्राइस मिनिमम 65,000 से 85,000 तक आती है, जो कि एक मिडिल क्लास रेंज के थोड़े से ऊपर है। सो इट्स वेरी गुड टाइम टू प्रोवाइड यूज्ड व्हीकल इन लो प्राइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।